नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ चुका हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई मेडिसिन के साथ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा बैद्यनाथ कंपनी के शंख पुष्पी सीरप से रिलेटेड। इसको कैसे यूज़ करना है, क्या इसकी MRP है, कौन सी बीमारी में इसका यूज़ कर सकते हैं, कब तक आपको यूज़ करना है, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों देखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखें, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन बटन इसको प्रेस जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो बैद्यनाथ कंपनी के शंख पुष्पी सीरप है किस लिए बनाई गई है और कौन सी बीमारी में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक आयुर्वेदिक रेमेडी जो कि दोस्तों यूज़ की जाती है मेमोरी के लिए, ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस अगर आपको देखा जा रहा है या आपको फॉरगेटफुलनेस की समस्या रहती है, मेमोरी आपकी लॉस होती जा रही है, या आपको जो है बात करें एक एंगजाइटी देखी जा रही है, डिप्रेशन देखी जा रही है, मेंटल स्ट्रेस देखा जा रहा है, या आपको जो है बात करें एक कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव नहीं हो पा रही है, और दोस्तों आपके जो है बात करें लर्निंग पावर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और जैसे कि आपको जो है बात करें एक एडेप्टोजेनिक की प्रॉब्लम देखी जा रही है, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी देखी जा रही है, माइंड आपका रिलैक्स नहीं रहता है। साथ ही दोस्तों आपको जो है बात करें एक डिजीनेस प्रॉब्लम जैसे देखी जा रही है, और एक पल्पिटेशन की समस्या जैसे देखी जा रही है, और जैसे कि आपको जो है बात करें एक तनाव भी रहते हैं और आपको नींद सही से आ नहीं पा रही है, इंसोमनिया की समस्या जैसे देखी जा रही है, तो उसके लिए दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों ये बात करें कि मूड स्टेबिलाइजर भी है, और जो कि दोस्तों लो रिटेंशन की अगर आपको प्रॉब्लम देखी जाए तो उसको दोस्तों इंक्रीज करती है, एक मेंटल अटेंशन को दोस्तों इंक्रीज करती है, एक मेमोरी को दोस्तों बूस्ट करती है, ब्रेन को दोस्तों बूस्ट करती है। ब्रेन में अगर आपको कोई भी वीकनेस देखी जा रही है तो उसके लिए दोस्तों आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कई बार देखा जाता है कि रेस्टलेसनेस जैसे देखी जाती है, हेडेक की समस्या देखी है, सिर में दर्द बना रहता है, या फिर माउथ में एक ड्राइनेस जैसे देखी जा रही है, या जैसे देखा जाता है कि मेंटल फैटिग जैसे देखा जा रहा है, और जैसे कि नर्व कोऑर्डिनेशन इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, या उनको जो है ADHD की समस्या जैसे देखे, जैसे उनको जो एक अटेंशन डेफिसाइट की समस्या है, जिस पर बात करें एक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे देखा जा रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आप इस सीरप को यूज़ कर सकते हैं। और जो कि दोस्तों ऐसी बीमारी में ये सीरप यूज़ की जाती है, तो इसकी दोस्तों क्या MRP है, तो दोस्तों अगर आप इसको जो है 200 ml में लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों मिलेगा 100 rupees का, और दोस्तों अगर इसको आप जो है 450 ml में लेना चाहते हैं, 450 ml में लेना चाहते हो, आपको मिलेगा दोस्तों 170 का, जो कि 170 रुपये मिलेगा। और आपके जो नज़दीकी जो बात करूँ आयुर्वेदिक फार्मेसी, वहाँ से इसको ले सकते हैं। और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको दोस्तों जो जो कि 1 ईयर अबोव है, जो कि दोस्तों 1 साल से ऊपर है, उनको दोस्तों यूज जो है दे सकते हैं। अगर दोस्तों इस 1 साल से कम एज के बच्चे हैं उनको उन बिल्कुल भी नहीं देना है, और इसके दोस्तों फाइनल यूज़ करना है जो कि खाने के आधे घंटे के बाद दे सकते हैं। और दोस्तों इसको बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको SMS से देखी जा रही है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कितने महीने के अब यूज़ कर सकते हैं, कितने महीने के अंदर दोस्तों रिजल्ट देता है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि समस्या कब से देखी जाए, उस पर दोस्तों निर्भर करता है। अगर कोई समस्या 3 मंथ 6 मंथ से, फिर 1 ईयर से देखी जाए, 2 ईयर से देखी जाए, तो इसे थोड़ा कंटिन्यूस करें, बराबर इसका यूज़ करें, तभी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एक आयुर्वेदिक सीरप है। तो दोस्तों मैंने इसकी आप सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है। आई होप आपकी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन बटन इसको प्रेस जरूर करें। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी से दिल से धन्यवाद। दोस्तों तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और इस वीडियो दोस्तों हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।